बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रवि एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी कैपिटल आपको दे रखी है मिस्टर रवि की यहां पर फाइव लाख रुपीज बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स स्टॉक एंड कैश सात लाख रुपए की बैलेंस शीट का टोटल है द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द लास्ट फाइव ईयरस एंडिंग थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी वन पिछले पांच साल के प्रॉफिट हमको यहाँ पर दिए हुए हैं 80,000 थाउजेंड का प्रॉफिट 84,000, फोर थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड वन लेख एंड वन लेख सिक्स थाउजेंड पांच साल की प्रॉफिट हमको यहां पे दे रखे हैं द असेट व रिवेल्यूड एज अंडर बैलेंस शीट के अंदर पांच असेट हैं ठीक है जिसमें तीन तो हैं फिक्स असेट और दो हैं करंट असेट अब असेट का वैल्यूशन अभी किया गया है लैंड और बिल्डिंग थ्री लैख एट्टी एट थाउजेंड अभी लैंड और बिल्डिंग अगर हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो वो तीन लाख साठ हजार रुपए की दिखाई दे, तो दे रही है इसको बोलते हैं बुक वैल्यू तो लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू है थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड और उसकी आज मार्केट वैल्यू है थ्री लाख एट्टी एट थाउजेंड मशीन की वैल्यू बुक में दे रखी है टू ट्वेंटी दो लाख बीस हजार रुपया और आज उसका रिवल किया गया वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड का इसका मतलब मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो गई

ये जो बिजनेस है इस बिजनेस की हमको यहां पर गुडविल कैलकुलेट करनी है और गुडविल का जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल का मेथड कौन सा है कैपिटलाइजेशन मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड में जो प्रॉफिट हम बेस बनाते हैं वो होता है सुपर प्रॉफिट इसका मतलब ये कि हमको गुडविल के कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा सुपर प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट के लिए हमको दो प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है दो प्रॉफिट की आवश्यकता होती है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जिसे हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहते हैं और उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं ठीक है चलिए अब एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर क्वेश्चन uh, को हमने पढ़ा उसके बाद हमको यहां पर उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है सबसे पहले स्टेप होती है प्रॉफिट को एडजस्ट करना ठीक है प्रॉफिट को एडजस्ट करना देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर पांच साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं लेकिन किसी भी प्रकार का कोई एबनॉर्मल नेचर का आइटम नहीं दिया हुआ है तो स्टेप नंबर वन के अंदर जो हम एडजस्टमेंट करते हैं एबनॉर्मल आइटम का एबनॉर्मल लॉस का एबनॉर्मल गेन का वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहां पर किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो स्टेप नंबर वन हमारे यहां पर क्लियर है अब उसके बाद हमें स्टेप नंबर टू अप्लाई करनी होती है जिसमें हम प्रॉफिट का सिंपल एवरेज करते हैं या फिर वेटेड एवरेज अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको वेटेड एवरेज करना है क्यों करना है देखिए अगर प्रॉफिट में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है या फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है या तो प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ते हैं या कंटिन्यू कम होते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको जो पांच साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इन पांचों साल के प्रॉफिट को हमने देखा एट्टी थाउजेंड 90,000, फोर थाउजेंड थाउजेंड वन लेख एंड वन लेख सिक्स थाउजेंड प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं इसका मतलब हम यहां पर सिंपल एवरेज नहीं करते हुए वेटेड एवरेज मेथड को अप्लाई करेंगे वेटेड एवरेज के लिए हमें वेट प्रोवाइड करने होते हैं जो सबसे प्रीवियस uh, ईयर का प्रॉफिट होता है उसको हमको वन उसके बाद टू थ्री फोर फाइव इस तरह से हमको वेट प्रोवाइड करने हैं फिर हमको यहाँ पर इनका प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है एट्टी थाउजेंड को वन से एट्टी फोर को टू से इस तरह से हमने इनका प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद हमारा जो टोटल आता है वो आता है फोर्टीन लेखी एट है? अब हमको स्टेप नंबर टू में वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहां पर निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट वेट मतलब भार का जो योग है तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव इजिकल टू फिफ्टीन तो हमारा जो स्टेप नंबर टू वो प्रॉफिट आता है 96533 सिक्स फाइव थर्टी थ्री ठीक है छिन्मे हजार सौ रुपया हमारा इसमें आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब हमें यहां पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना होगा ऐसा एक्सपेंडिचर जो अभी तक हो रहा था जो फ्यूचर में नहीं होगा या फिर अभी तक नहीं हो रहा था जो फ्यूचर में होने की संभावना है ठीक है तो उसको लेकर पहला है है, ले देखिए लैंड और बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग हालांकि अगर ये केवल लैंड होता है तो लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। हम जानते बट ये लैंड एंड बिल्डिंग है तो अभी तक जो डेप्रिसिएशन था वो थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर लग रहा था लेकिन अब फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लगेगा थ्री लैख एट्टी एट थाउजेंड के ऊपर इसका मतलब डेप्रिसिएशन बढ़ने वाला है अब कितना बढ़ने वाला तो ये वर्किंग नोट आपके सामने है देखिए एडिशनल डेप्रेशन लगेगा बिल्डिंग के ऊपर कैसे अभी तक 388 के ऊपर लग रहा था अब लग थ्री सिक्सटी के ऊपर लग रहा था अब लगेगा थ्री एटी एट के ऊपर तो असेट की वैल्यू कितने से बढ़ी तो थ्री एटी एट माइनस थ्री सिक्सटी ट्वेंटी एट थाउजेंड से असेट की वैल्यू बढ़ गई इसका मतलब ट्वेंटी एट थाउजेंड के ऊपर टेन परसेंट की रेट से अट्ठावी सौ रुपए का डेप्रेशन अब फ्यूचर में ज्यादा लगने वाला है इसका कैलकुलेशन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 388 का हम निकाल सकते हैं टेन परसेंट जो रेट है वो आपको दे रखिए तो अब जो डिप्रेशन लगेगा असेट के ऊपर वो आएगा थर्टी अभी तक कितना डिप्रेशन लगता हुआ आया था 360 का 10 परसेंट हम कर सकते हैं 36,000 तो ये होता है कि डेप्रेशन कितने से बढ़ गया उसको बोलते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन तो अट्ठावी सौ रुपए से डेप्रेशन यहां पर हमारा बढ़ने वाला है कैलकुलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम असेट की वैल्यू का डिफरेंस निकालें या फिर हम न्यू वैल्यू के ऊपर डेप्रेशन कैलकुलेट करें और उसमें से ओल्ड डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें चलिए अब मशीन का हम देखते हैं मशीन बैलेंस शीट में टू लेख ट्वेंटी थाउजेंड हमको दी हुई है लेकिन आज जब इसका वैल्यूशन किया गया तो वो मशीन वन थर्टी सिक्स वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड की हो गई इसका मतलब मशीन की जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है डाउन होने का मतलब यह है कि मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लग रहा था अभी तक वो फ्यूचर में कम लगेगा इसको बोलते हैं सेविंग इन डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन का अगर हम समझे यहां पर तो बारह हजार सौ रुपए की तो सेविंग हो रही है और 2800 रुपए से डेप्रिसिएशन ज्यादा लग रहा है ठीक है अब हम इसको नेट करेंगे नेट करने का मतलब फाइनल रिजल्ट क्या निकला तो फाइनल निकलेगा इसमें आपका 9800 9800 का डेप्रिसिएशन में सेविंग हुआ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन को हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते समय ऐड करते हैं लेस करते हैं सॉरी लेस करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन को लेकिन अगर डेप्रिसिएशन में कोई सेविंग हो जाती है तो उसको हमको क्या करना है ऐड करना है देखिए 96533 में हमने यहां पर सेविंग इन डेप्रिसिएशन को ऐड किया ठीक है चलिए आगे अब क्या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो फ्यूचर में होने की अभी संभावना है तो देखिए एक लाइन यहां पर आपको दे है नो रेमोरेशन वॉज चार्ज बाय मिस्टर रवि तो वॉज एक्टिवली एंगेज इन बिजनेस वो अभी तक अपने आप से यहाँ पर कोई रेम्यूरेशन चार्ज नहीं कर रहे थे लेकिन इसी प्रकार के बिजनेस को अगर कोई व्यक्ति करता है तो वहाँ पर उसका जो रेम्यूनरेशन है वो बारह हजार रुपए आता है जैसा मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है इसमें यहाँ पर ये स्पेशल पॉइंट होता है रेम्यूरेशन को लेकर के गुडविल का जब वेल्यूशन होता है तो कुछ डिसीजन मेकिंग होती है कुछ रिलेवेंट कॉस्टिंग कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग वाले पॉइंट आते हैं तो एक तरह से ये एक एक्सपेंडिचर है बिजनेस का भले मिस्टर अभी अपने आप से चार्ज नहीं करते हैं लेकिन नॉर्मली जो रेमरेशन बनता है वो कितना होता है बारह हजार रुपये तो जब गुडविल का वैल्यूशन करते हैं उस समय हर चीजों को नॉर्मल तरीके से यहाँ पर सोचना पड़ता है इसीलिए यहां पर बारह हजार रुपये का फेयर रेमोनरेशन लेस किया गया है ठीक है 96533 में से हमने क्या किया ये जो सेविंग एंड इसको ऐड करना है और ये रेमोरेशन आपको दे रखा है ये यहाँ पर है 12000 का ठीक है यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ये बारह हजार रुपए का रेमोरेशन हमको लेस करना है लेस क्यों किया मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया इसमें यहाँ पर क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर है जो अभी तक इन्होंने यहाँ पर काउंट नहीं किया लेकिन इस तरह के बिजनेस में रेमुनेशन देना होता है ओनर को तो ये एक तरह से रिलेवेंट है रिलेवेंट कॉस्टिंग बोल सकते हो आप इसको यहाँ पर और गुडविल के वैल्यूएशन में हमको यहाँ पर ये डिसीजन जब लेना होता है गुडविल का तब आपको यहाँ पर ये माइनस करना है इन्फॉर्मेशन को देख करके ठीक है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा आता है नाइनटी फोर ट्रिपल थ्री ठीक है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बाद हमें जो अगला कैलकुलेशन है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू अपॉन हंड्रेड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमको टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी मतलब टोटल लाइबिलिटी का मतलब जो लाइबिलिटी हमको लेस करना है वही लेना है तो देखिए हमारे पास पांच असेट हैं इन पांच में से हमको दो असेट को री वैल्युड प्राइस पर लेना है बाकी को करंट प्राइस बुक वैल्यू पर लेना है देखिए लैंड और बिल्डिंग को हमने किस प्राइस पर लिया थ्री लैख एट पर मतलब करंट वैल्यू पर मशीन को करंट वैल्यू पर फर्नीचर स्टॉक एंड कैश इनको हमने किस वैल्यू पर लिया बुक वैल्यू पर ठीक है चार सोलह और एक लाख रुपए उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी कैपिटल को कभी माइनस नहीं करते हम तो क्रेडिटर्स को माइनस किया बिल्स पेपल को माइनस किया तो हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आती है फोर लेख फोर्टी फोर थाउजेंड की ठीक है अब क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमको करंट ईयर का प्रॉफिट मालूम है तो हमको क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन के अंदर देखा हमने तो हमको पांच साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं यानी पाँच साल के प्रॉफिट में हमारा जो बिल्कुल लेटेस्ट ईयर है उसका प्रॉफिट हमको लेना है जो आपको दिया हुआ है एक लाख छह हजार रुपया तो एक लाख छह हजार रुपये का आपको फिफ्टी परसेंट जो फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस फिफ्टी परसेंट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट तो एक लाख छ हजार का हमने किया वन बाई टू फिफ्टी परसेंट वो आता है फिफ्टी थ्री थाउजेंड तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आती है थ्री लैख नाइन्टी वन थाउजेंड ठीक है चलिए ये होगी हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से आपको क्या निकालना होता है नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर ठीक है तो देखिए ये नॉर्मल प्रॉफिट हमारा है थ्री लैख नाइन्टी क्वेश्चन में दे रखिए टेन परसेंट तो वो आता है थर्टी नाइन वन हंड्रेड अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हमको नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है उससे हमको सुपर प्रॉफिट यहां पर मिलता है अब कैपिटलाइजेशन मेथड ये जो मेथड है मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है सुपर प्रॉफिट की हेल्प से कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू हंड्रेड अपॉन एनआरआर ये फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन मेथड का पूंजीकरण विधि का गुडविल निकालने का फिर से एक बार सुने सुपर प्रॉफिट इनटू हंड्रेड अपॉन एनआरआर ठीक है तो सुपर प्रॉफिट हमारा आया फिफ्टी फाइव टू डबल थी मल्टीप्लाई की हंड्रेड से डिवाइड किया टेन से तो फाइव लेख फिफ्टी टू हमारी आती है वैल्यू ऑफ गुडविल ठीक है चलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है बस आपको यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि जो रेमुनरेशन हमने माइनस किया है ये माइनस करने का रीजन क्या है दूसरा सेविंग एंड कैसे आया बिल्डिंग के ऊपर एडिशनल लगेगा लेकिन मशीन के ऊपर डेप्रेशन में सेविंग हो गई है नेट रिजल्ट हमारा आया नाइनटी एट हंड्रेड का सेविंग ठीक है यहाँ पर जो रेमुनरेशन है वो हमको ट्वेल्व थाउजेंड माइनस करना है